आइए इसके बाद उस नौजवान शायर को हम आवाज देने जा रहे हैं जो एहसासात और जज्बात की शायरी करता है, जो आपकी धड़कनों को धड़काता है, जो आपके एहसासात को महमीज लगाता है। और आज के इस मुशायरे को सजाने में, संवारने में उस नौजवान का बहुत ही बुनियादी रोल रहा है। मैं दरख्वास्त करता हूँ अरशद सिद्धार्थ नगरी से, एक उभरता हुआ फनकार, एक उभरता हुआ शायर जो अपने कलाम से दिलों पर राज करता है। इस तरह मेरे दिल पर उनकी हुक्मरानी है, दिल नहीं मेरा गोया उनकी राजधानी है। अरशद सिद्धार्थ नगरी साहब तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम भाई, थोड़ा सा आवाज बढ़ा दे थोड़ा सा। बचपन से एक बात सुनते हुए आ रहा था कि अल्लाह जिसे कुर्सी देता है उसे खामोश कर देता है, लेकिन जिस तरह से आप दाद दे रहे हैं तो ये बात आज झूठी साबित हो गई है। बहुत खूबसूरत तरीके से आप दाद दे रहे हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से निजामत कर रहे हैं फैजी साहब। वक्त बहुत ही कम है, मैं चाहता हूँ सीधे सीधे अपनी शायरी का आगाज करूँ। दोस्तों, एक माँ है, एक बहन है, एक भाई है। मैं चाहता हूं कि आज कुछ दर्द गाया जाए। बहुत दिनों से एक मंजर ने मेरे दिल को शायद बहुत झिझोड़ा है। पिछले दिनों जब मैं गांव से आ रहा था, तमाम दोस्तों से गुजारिश है बस थोड़ा सा तमीज। पिछले दिनों जब मैं गांव से आ रहा था तो स्टेशन पर आकर के बैठा था, गाड़ी थोड़ी सी लेट थी, मैं बैठा था। मेरे सामने एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, जारो कतार रो रही थी। जब भी कोई ट्रेन आकर खड़ी होती थी वो औरत बहुत गौर से उस ट्रेन को देखती थी, उतरने वाले मुसाफिरों को देखती थी और उसके बाद फिर रोने लगती थी। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने जाकर के पूछा आखिर बात क्या है, तो पता चला कि उसका एक बेटा है, जवान बेटा जो प्रदेश कमाने के लिए आया है। 2-3 साल हो गए हैं लेकिन वो अब तक नहीं लौटा है। उसी की याद में एक माँ है जो रोए जा रही है। मुझे लगता है देश में ऐसी एक नहीं, ऐसी हजारों माएं हैं, हजारों बहनें हैं जो अपने भाइयों की याद में रो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे दोस्त भी हैं जो अपने दोस्त को याद करके रो रहे हैं। आप तमाम लोग कमाने के लिए आए हैं मुझे पता है, लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो शायद 3-4 साल आए हैं लेकिन गांव नहीं गए हैं। वो मंजर याद करिए जब आप गांव से आते हैं। मैं पढ़ता हूँ जी जी जी। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बिल्कुल संजीदा, ताली वाली की जरूरत नहीं है। मैं बहुत रोया था, आपकी पलकें अगर नम होंगी तो बताइएगा। सुनिएगा, इरशाद हो। मोहब्बत और चाहत का तराना भूल बैठा है, मोहब्बत और चाहत का तराना भूल बैठा है। वो पहले की तरह खुद को सजाना भूल बैठा है, वो पहले की तरह खुद को सजाना भूल बैठा है। चले आए हो जब से गांव को तुम छोड़ कर परदेश, चले आए हो जब से गांव को तुम छोड़ कर परदेश, तभी से है कोई जो मुस्कुराना बैठा है, तभी से है कोई जो मुस्कुराना भूल बैठा है। और गली अच्छी नहीं लगती, शहर अच्छा नहीं लगता, गली अच्छी नहीं लगती, शहर अच्छा नहीं लगता, न जाने क्यों हमें अप
अपना ही घर अच्छा नहीं लगता, न जाने क्यों हमें अपना ही घर अच्छा नहीं लगता। जहाँ भी हो तुम्हें मेरी कसम है अब चले आओ, जहाँ भी हो तुम्हें मेरी कसम है अब चले आओ। तुम्हारे बिन ये जीवन का सफर अच्छा नहीं लगता। बहुत खूब भाई, तुम्हारे बिन ये जीवन का सफर अच्छा नहीं लगता। बहुत खूब। और मिली है मुझको उल्फत में, भला ये कैसी सौगातें। सुकून से दिन गुजरता है न कटती चैन से रातें। मिली है मुझको उल्फत में, भला ये कैसी सौगातें। सुकून से दिन गुजरता है ना कटती चैन से रातें। फकत कुछ दिन की खातिर ही चले आते तो अच्छा था, फकत कुछ दिन की खातिर ही चले आते तो अच्छा था। भला कब तक करें यूं ही तेरे तस्वीर से बातें, भला कब तक करें यूं ही तेरी तस्वीर से बातें। और चमन के फूल सारे और सब कलियां बुलाती हैं, चमन के फूल सारे और सब कलियां बुलाती हैं। वो बचपन की सभी यादें वो रंग रलियां बुलाती हैं, वो बचपन की सभी यादें सब रंग रलियां बुलाती हैं। गए हो जब से सारा गांव तब से सुना सुना है, गए हो जब से सारा गांव तब से सुना सुना है। चले आओ तुम्हें अब गांव की गलियां बुलाती है, चले आओ तुम्हें अब गांव की गलियां बुलाती है। और जुदाई के गमों ने इस कदर है मुझको तड़पाया, जुदाई के गमों ने इस कदर है मुझको तड़पाया। सुबह क्या शाम होने को है अब तक कुछ नहीं खाया, तू रुखसत की घड़ी कह कर चला था जल्द लौटूंगा, तू रुखसत की घड़ी कह कर चला था जल्द लौटूंगा। तो फिर ए लाल मेरे अब तलक तू क्यों नहीं आया, तो फिर ए लाल मेरे अब तलक तू क्यों नहीं आया। आखिरी चार मिसरे पढ़ता हूँ, पीछे तक के दोस्तों से दुआएं मांगता हूँ। आखिरी चार मिसरे पर तालियों से विदा करिएगा मेरे परदेसी भाइयों। आखिरी चार मिसरे कि याद में तेरी आहें भरती है, सुनिएगा, याद में तेरी आहें भरती है, रोज जीती है
रोज मरती है याद में तेरी आहें भरती है, रोज जीती है रोज मरती है, माँ को तुम भूल तो गए लेकिन माँ को तुम भूल तो गए लेकिन माँ तुम्हें रोज याद करती है, माँ तुम्हें रोज याद करती है। और चलते चलते भाइयों का हुक्म है कि माँ के हवाले से, तो बस दो मिनट सिर्फ माँ के हवाले से, वक्त थोड़ा सा, बस सिर्फ दो मिनट माँ के हवाले से सुनेगा कि तीर लफ्जों के तुम चलाना मत, कांदे वाली वालों अपनी दुआओं से नवाजना, कि तीर लफ्जों के तुम चलाना मत, उनके एहसान को भुलाना मत, तीर लफ्जों के तुम चलाना मत, उनके एहसान को भुलाना मत, आप सबसे ये इल्तिजा है मेरी, आप सबसे ये इल्तिजा है मेरी, माँ के दिल को कभी दुखाना मत, माँ के दिल को कभी दुखाना मत, उलझनों से निकाल कर रखना, नजरें चाहत की डाल कर रखना, उलझनों से निकाल कर रखना, नजरें चाहत की डाल कर रखना, तेरी जन्नत है तेरी बूढ़ी माँ, तेरी जन्नत है तेरी बूढ़ी माँ, अपनी जन्नत संभाल कर रखना, अपनी जन्नत संभाल कर रखना।